हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, पंकज सर ने शराब के ऊपर बहुत सारी गजलें गाई हैं। एक तो इनकी आवाज का नशा, ऊपर से गजल शराब वाली, ऊपर से कहीं बारिश हो रही हो बाहर तो बेड़ा गर्क, आदमी का मूड बन जाता है। तो सर, आपको कभी एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने आके थैंक यू नहीं बोला कि आपकी वजह से हमारी सेल बढ़ गई है? इस बात एक कथा मुलायजा फरमाइए। मैं कह रहा हूँ पूरी तरह सुनाइए सर। कि कुछ नशा तो आपकी बात का है। क्या बात है, क्या कुछ बात? नशा तो आपकी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। हाय हाय, हमें आप यूं ही शराबी ना कहिए, ये नशा तो पहली मुलाकात का। कपिल जी, एक बात बताना चाहूंगा। जी सर। एक डॉक्टर समझा रहा था शराबियों को मत पिया करो। अच्छा। तो एक ने कहा कि ऐसे हम नहीं समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करके समझाओ। तो उसने दो ग्लास मंगाए, एक में शराब भरी एक में पानी। अच्छा। एक मक्खी उड़ रही थी, पानी के ग्लास में डाली, वो तैरने लगी, निकाल के शराब के ग्लास में डाला, वो मर गई। तो डॉक्टर ने कहा देखा आपने, इस चीज़ को आप पीते हैं, कुछ समझ में आया? एक आदमी खड़ा हुआ, समझ में आ गया जी। कहता क्या समझ में आया? कहता ये समझ में आया कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो कहने का मतलब जिसने ढूंढना है वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, कीड़े मार दी। नहीं, शराबियों को पॉजिटिविटी हमेशा रहती है जी, वो बहाना ढूंढते हैं जी। अगर रोज शराब पीता हूं तो आदत बिगड़ती है, और अगर नहीं पीता हूं तो तबीयत बिगड़ती है, इसलिए मैं एक दिन छोड़ के पीता हूं, ना आदत बिगड़ती है ना तबीयत बिगड़ती है। क्या बात है, आज पहली बार आपके मुंह से अल्कोहलिक शेर सुना। और क्या बात है। तलत सर की पैदाइश जो हैदराबाद की है जी, ये इनको गाने के साथ साथ एक्टिंग का भी शौक है। सर आप ये बताइए, जब मुंबई आप पहली बार आए थे तो आप सिंगर बनने आए थे या एक्टर बनने आए थे? सर पता नहीं क्या करने आया था, आ तो गया था मैं। अच्छा। उसके बाद जहाँ जहाँ तकदीर ले गई वहाँ चला गया। तो अब गजल जो है हमारी माशूका है, आप जानते हैं कि गजल का मतलब माशूक से बात करना जी। तो वैसे भी हमारी रूमानी तबीयत है, आप समझते ना, कि वो जानेसार अख्तर साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर याद आता है कि हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या है। क्या बात है, हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई आह छुपा दी जाए। बात तो चंद लफ्जों की है और आह की है, और वो आह कम्बख्त लग गई, अब क्या करें। लेकिन हैदराबाद का हूं मैं, उस आग का मजा हम आज तक सेक रहे हैं। मुझे तो आज दिल कर रहा है कि थोड़ी लाइटें धीमी कर लें और थोड़ी क्षमा जला ली जाए, और जो पीने के शौकीन है थोड़े पैक वैक मंगवा ले, तो आज शाम जो है थोड़ी रंगीन हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। हम तीनों का एक प्रोग्राम था जी, उसका नाम था फ्रेंडशिप जी। हम तीनों ने, मैंने होर्डिंग देखा था सर, प्रोग्राम किया जी। तो मैं जब गा रहा था, बड़े प्यार से लोग सुन रहे थे, मैंने क्या देखा कि एक आदमी उधर से उठा फर्स्ट रो से। अच्छा। उसने वहां खड़ा हुआ, उसने तलवार निकाली, तलवार ऐसे घुमाई और वहां जाके बैठ गया। अच्छा। तो मैंने देखा, मैं समझा शायद इसका अप्रिशिएट करने का यही तरीका होगा, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। जी जी जी। उसके बाद थोड़ी देर में वो वहां से उठा, तलवार निकाली और वहां जाके बैठ गया। तो मैं डर गया थोड़ा, मैंने कहा यार कल हमको कपिल के शो में जाना है, तुम हमको डरा क्यों रहे हो? नहीं पसंद है हमारा गाना, बता दो, बंद कर देते हैं। वो कहता है नहीं नहीं आप गाते रहिए, हम तो ढूंढ रहे हैं आपको बुलाया किसने। अरे बाप रे। अनूप सर, आपके घर में तो बचपन से ही संगीत का माहौल था जी, तो आपको ये भी क्लियर हो ही गया होगा जब तक होश संभाला कि मुझे बड़े होके गाने में ही अपना करियर बनाना है। 7 साल की एज से मैंने गाना शुरू कर दिया, उसी उम्र से मैंने हारमोनियम भी बजाना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो मेरा शुरू में नाम पड़ गया कि जी ये पेटी वाला है। अच्छा। और उसके बाद मैंने किशोर कुमार के गाने शुरू किए, तो कह लेंगे जूनियर किशोर है। अच्छा। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ किशोर कुमार। सर प्लीज अभी हो जाए। अभी हो जाए, अभी अभी अभी। हाजिरी ने महफिल,
सिटी केबल के प्रोग्राम मुकाबला में शायरा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए। इस मुशायरे में मेरा साथ देंगी हसीन नाजनीन कमसिन कली लॉटरी। अपनी लाइन पढ़िए। साहिबान, आप सबकी इस मुशायरे में इस्तकबाल करती हूँ और सबकी मौजूदगी में कपूर शर्मा को अपना बॉयफ्रेंड कबूल कर। कबूल है। सीख ले थोड़ी सी हिंदी किसी दिन ना, अरबी में इसने तेरे साथ निकाह पढ़ लेना है, तेरे को पता भी नहीं चलना कब तू शर्मा हो जाएगी। कबूल है, कबूल है। तो पता नहीं मेरे नर्स को जी, हेलो जी। हाय जी, हेलो। माय सेल्फ डॉक्टर मिश्र गुलाटी, जीएसटी। जीएसटी क्या मतलब? जीएसटी मतलब बिल पास हुआ, जीएसटी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पार्लियामेंट में इतना नहीं पता। अरे वाह भाई, हमारे बहुत ही मशहूर बड़े कमाल के डॉक्टर है। तो जी, इस हसीन महफिल को लेके आगे बढ़ते हैं और मुशायरा शुरू करने से पहले शमा रोशन की जाए, ये लाइट थोड़ी कम की जाए, शमा को बुलाया जाए, शमा का शमा रोशन करनी है। आपका नाम शमा है? हेलो शमा, डॉक्टर मिश्र गुलाटी। शमा लुक एट मी, ये हो गई शमा रोशन। चलिए चलिए, थैंक यू। महफिल को आगे बढ़ाते हैं। तो लीजिए, शमा रोशन हो गई, उसी के साथ मुकाबला मुशायरा शुरू होता है। इस मुकाबले में एक तरफ हमारी इस महफिल में चीफ गेस्ट हैं अनूप जलोटा जी, पंकज उदास जी और तलत अजीज जी। तो इस तरफ चीफ गेस्ट हैं और इस तरफ चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मेंटल इनका तखल्लुस है। आप मुझे मेंटल कह लें, चीप ना कहें, चीप ये लड़ी है। आप शांति बनाए रखें, वरना अंगाज में ही आपका अंजाम बुरा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ, बिल्कुल उस तरफ जो फैली हुई है, उनका नाम है बम्पर सूजी। यहाँ पर मौजूद सभी खवातीन हजरात को और यहाँ पर बैठे हुए मुअज्जिज मेहमानों को बम्पर का प्यार भरा आबाद। आबाद नहीं, आदाब होता, मारेंगे आपके लपेट के में। ठीक है, वही दे दीजिए ना, क्या है इसमें। हाँ ठीक है, और बीच में फंसी हुई है जी। हम खुद अपना तारुफ करेंगे। जीप लेडी, ये नर्म और नाजुक कली, ये नर्म और नाजुक कली इस गुलशन में बेगम लुची नाम से खिली हुई है। आपके लिए एक शेर पेश करना चाहूंगी। जी। अर्ज किया है ज़बान। वाह 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 वाह। आपको कहीं जाना है तो आप अपना वाह वाह पहले क्यों घुसेड़ रही, पहले शेर तो। लेकिन आपने तो कहा ना कि जब शेर सुनिए तो वाहवा करना है। एक बात बताइए, आप किसी बात में दिमाग क्यों नहीं लगाती हैं? आप पहले खाती हैं कि पहले जाती हैं? तो शेर पूरा होने के बाद जो वाहवा करना है आपको जी। आप अपनी बकवास जारी रखिए। जबान दिखाइए, मैं देखता हूँ जबान आपकी, चेक कर लेता हूँ। दिखाइए जरा, मुंह खोलिए, कहिए आ। अच्छा, ये जब गजलों में आलाप लेते हैं तो ये वापस कब देते हैं? बात कर रहे हैं, अलाप लेते हैं, बस अपने तरफ से ले लेते हैं। अच्छा। लेते नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे अर्ज किया है। हाँ जी। कि ऐसी बात ना करें जिसके किसी का दिल टूट जाएगा, वरना ऐसा शेर मारूंगा आपका सर फूट जाएगा। ये शेर मारने से सर कैसे फूट जाएगा भाई? देखिए, ये मैं ऐसा नहीं हूँ, अर्ज किया है। हाँ जी। मैं ऐसा नहीं हूँ जो तुम्हारे लॉजिक से हारूंगा। मैं शेर लिखूंगा कागज पे, पत्थर पे लपेट के मारूंगा। चीटिंग हो रही है सर, यहाँ में पत्थर पे मारने वाली बात। देखिए, आप हमारे मुअज्जिज मेहमान हैं, मुशायरे को प्यार से चलाए, आप ना बीच में ना बोले आप जी। तो मोहब्बत से शुरू करते हैं, एक तो मेरा पल्लू गिर जाता है। मोहब्बत से शुरू करते हैं, आदरणीय पंकज उदास जी। पंकज जी, एक चीज पूछना चाहूंगा जी। पहले तो उदास साहब, वेरी हैप्पी टू मीट यू। पंकज का नाम का मतलब क्या है? एज अ डॉक्टर आई वांट टू आस्क। पंकज जो है वो बहुत पुराना संस्कृत लफ्ज है, वर्ड। अच्छा। है, और उसका मतलब, उसके माने है जो कवल का फूल होता है। कमल, कमल का फूल। अच्छा। होता है, कवल को कहते हैं पंकज। अच्छा अच्छा, कमल से याद आया, सिद्धू साहब ने रिजाइन कर दिया। मुशायरे में पॉलिटिकल बातें ना की जाएं। तो मोहब्बत की बात मोहब्बत पे ही रखते हैं। मैं चाहूंगा कि पंकज साहब मोहब्बत पे कोई शेर कहें। मैं शेर अर्ज करता हूं।
लाइज़ा फरमाए मोहब्बत की बात आ रही है, मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है। क्या बात, मोहब्बत मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है, लेकिन मुश्किल ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। और मैं तो यही कहूंगा कि इधर बैठ, बैठ। मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ दिल ही नहीं मुश्किल से मिलता, केरोसिन भी बहुत मुश्किल से मिलता है। जी शेर सुनाइए, शेर। आप तीनों के लिए एक शेर अर्ज है जी, कि ऊपर वाले की क्या खूब कारीगरी है। वाह वाह, ऊपर वाले की क्या खूब कारीगरी है, कोई कहता है हूर, कोई अप्सरा, कोई कहता है परी। आप तीनों के पैमाने ऐसे भर जाएंगे, इस कदर इस बोतल में मोहब्बत भरी है। वाह, क्या बात है, क्या बात। ये शेर था या ऑफर था? मैं चाहूंगा सिद्धू साहब आप इसका मुगालतफा कीजिए, इनको कुछ शेर के रूप में जवाब दें आप। आबाद रहते हैं वो, आबाद रहते हैं वो घर जिनमें रहने वाले हो। वाह 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 वाह, खंडरों पर कभी टीके काले नहीं लगते। बेगम ये तुम्हारे लिए। अच्छा? खंडरों पे जी टीके काले नहीं लगते। काले देख के एक ही बात कहूंगा, लुट गए हो जिन तिजोरियों के खजाने, उन पे ताले नहीं लगते। वाह 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 वाह, इन्होंने तारीफ की मेरी, इन्होंने आपकी तौहीन की है और बुरी कदर तौहीन की है। ये गलत है, ये औरत के साथ अन्याय हो रहा है यहाँ पर। इसके जवाब में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। खड़काओ। वाह। अर्ज किया है कि टूटे हुए प्यालों में भी जाम आता है। वाह वाह, टूटे हुए प्यालों में भी जाम आता है। आहा। ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल में भी मैसेज तमाम आता है। वाह वाह, ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल में भी मैसेज तमाम आता है। हर एक की अपनी अपनी शख्सियत है। अच्छा। पानी अगर खराब हो जाए फिर भी फ्लश करने के काम आता है। वाह 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 वाह, बेगम लिपटी के हुस्न पे चार लाइनें कहूंगा। मुझे नहीं पता किसने लिखी, मैंने पढ़ ली। ठीक है ठीक है ठीक है, बात कहूंगा। पक्के सड़ने वाली तेरी जवानी और तू दुरफट्टे मुंह आथू आथू आथू। इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तलत साहब आप इस मुद्दे पे कुछ मोहब्बत के ऊपर चंद लाइनें। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। दिस इज फॉर यू फ्रॉम माई साइड। आगे भी सुन लो मियां, मेरे लिए इतना काफी, पर आप आगे सुनाइए। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। वाह, दुनिया में जीने के दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। वाह, फिर भी आपके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा। इधर सुनाए ना कहीं और जाके। इधर सुनाता हूँ। इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। हाँ हाँ, बार में ताना फिर डूब जाना। इन झील से आंखों में डूब जाऊं। फिर आदमी डूब गया, आप क्या बोले। अर्थ क्या है, आगे आगे भी है। इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। बस वो कितना डूबेगा, झील खत्म हो गई भाई। डूबे जा रहा जब से देख रहा हूं। दिल करता है इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। दिल करता है, दिल करता है। डोंट बी फिजिकल, नो नो। सुनाइए सुनाइए सुनाइए, अर्ज कीजिए। दिल करता है इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। दिल करता है। वैसे भी मुझे एक सवाल है। तुम पूछो ना, पूछो, मेरी तरफ से हाँ है। ये सिंगिंग के सवाल है। अच्छा। तलत जी आप बता दीजिए, क्या सिंगिंग तभी आती है जब किसी का दिल टूटा है? आपका दिल टूटा है शायद, तो फिर आपको आ गई बताइए ना। मेरे साथ एक्चुअली उल्टा हुआ। अच्छा। मुझे पहले सिंगिंग आई, बाद में मेरा दिल टूटा। नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं। इनका दिल नहीं टूटा था, वो
वो ऑर्गेनाइजर ने लिटा के आपकी छाती पे लाते मार के छाती तोड़ी थी। अब हमारी बारी है। हुजूरे आलो, आलो नहीं हुजूरे आला, ये तीन है ना तो आलो हुए ना। आलो ही आलो। आपकी खिदमत में एक शेर छोड़ रही हूँ, मुलायजा फरमाइए। छोड़िए बात। ये दौलत भी ले लो, हाय हाय, ये शौहरत भी ले लो, मैंने चाहिए ये औरत भी ले लो। सांड कही की तेरा क्या बिगाड़ा था? देखिए अरे क्या तरीका है, मुशायरे में हिंसा हो रही है, मुशायरा हम यहीं पे खत्म करते हैं, प्लीज हटा दे। ठीक है बस बचाओ। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर अनूप जलोटा, मिस्टर तलत अजीज और मिस्टर पंकज उदास के लिए। सर आइए। थैंक यू सर, हमारे शो की एक रवायत है कि आप जैसे मेहमान हमारे शो में आए हैं, इतनी खूबसूरत शाम रही आज की रंगीन, तो जाते जाते भी तो कुछ तो होना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।